हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रारास किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी एंड टेस्टी मल्टीग्रेन डोसा, वो भी सिंपल तरीके से। कैसे बनाते चलिए देखिए, बनाना शुरू करते हैं। मैंने उड़द दाल और मेथी के दाने, देखिए 1 कप उड़द दाल ली और 1 टेबल स्पून मेथी के दाने। इसको मैंने धो के 2 घंटे के लिए भिगाने छोड़ दी। इसको पीस लेते हैं, ग्राइंडर जार डाल के। दाल डाल ली, इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। इसको पेस्ट कर, देखिए जैसे पेस्ट बना ली मैंने, उसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। बैटर मैंने बाउल में ट्रांसफर कर ली। अब मैं इसमें ये बाजरे का आटा 1 कप, ज्वार का आटा 1 कप और रागी का आटा 1 कप, लास्ट में गेहूं का आटा 1 कप। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेते। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लें। देखिए बैटर अच्छे से मिला ली मैंने, इसमें 1 लीटर का पानी गिरा। देखिए बैटर ऐसा बन गया। अभी मैंने मेजरमेंट 1 कप दाल लिए तो, और सारे आटे का 1-1 कप का मेजरमेंट ली हूँ, उसके लिए 1 लीटर का पानी लगेगा। इसको अच्छे से मिला ली मैंने। इसको फर्मेंट होने के लिए इसको मैं नाइट में मिला रही हूँ, तो मॉर्निंग में बनाने के लिए पूरा रात भर रख के ये अच्छे से फूलेगा। इसको ढक के हम सुबह तक रखेंगे। देखिए मॉर्निंग में हो गया, आटा देखिए अच्छे से फूल गया। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिला ली मैंने अभी, अपने दाने स्वाद अनुसार नमक। तो इसको अच्छे से मिला लेते। देखिए कितना बढ़िया बना है ये आटा। ये डोसा हेल्दी एंड टेस्टी, इसमें बहुत कम तेल यूज होता है। चटनी बना लेते थोड़ा, कच्चा नारियल 1 कप डाल दी, ये दलिया फुटाने बोलते हैं, रोस्टेड चना दाल 1 कप, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए जितना स्पाइसी चाहिए, हरा धनिया और थोड़ा सा इमली। इमली इसलिए डालती हूँ मैं, चटनी जल्दी खराब नहीं होता है, खट्टापन अच्छा लगता है चटनी में, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक। इस सारे चीजों को पीस लेंगे। देखिए पानी डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर ले, चटनी बन के तैयार है। और इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। आधा स्पून जीरा, आधा स्पून उड़द दाल, थोड़ा सा हींग, गैस बंद कर लेते और इसको चटनी के ऊपर डाल। इस तड़के को चटनी में डाल लेते, अच्छे से मिला लेंगे। चलिए डोसा बनाना शुरू करेंगे। मैंने एक पैन रख ली, पैन अच्छे से हीट हो गया, इसको कुकर रख कर लेते। जो बैटर बनाए उसके ऊपर डाल, अच्छे से फैलाएंगे। घी डालेंगे एकदम कम, बस 1 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से सेकेंगे। मिनट हो गया, इसको हम पलट लेते। इतना इजी निकल के आ रहा है,
इसको और एक मिनट के लिए सेक लेंगे दूसरी तरफ। देखिए दूसरी तरफ सेक ली मैंने, अब इसको पलट लेते तो कितना बढ़िया बना ये डोसा। इसको फोल्ड कर लेंगे, इसकी सर्विंग बॉल प्लेट में निकाल लेते। देखिए बनके तैयार है मल्टीग्रेन डोसा, एकदम हेल्दी एंड टेस्टी, बहुत कम तेल से बना है नाश्ता। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।